हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में लाइंस और एंगल्स का एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मैंने लिया है वो आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज 7B से है। ठीक है, और उसमें हर तरह जो क्वेश्चन है वो लगभग एक जैसा ही है। ये हो सके, उम्मीद है कि ये लास्ट क्वेश्चन हो। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, कोई स्पेशल टाइप का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसमें हम सोच रहे हैं कि बाकी जो पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन हो। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये हमें थोड़ा सा अलग लगा, ठीक है, इसलिए हम सोचे कि इसको भी एक वीडियो में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें दिया है, इन द गिवेन फिगर, ठीक है, कोप्लेनर लाइन, यानी कि वो लाइन्स जो एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, कोप्लेनर लाइन ए बी सी डी एंड ई एफ। ए बी लाइन ये है, सी डी एंड ई एफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। ठीक है, एट पॉइंट ओ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है। उसके बाद हमको एंगल फाइंड करना है ए ओ डी, यानी कि ए ओ डी ये एंगल, सी ओ ई, सी ओ ई ये एंगल, यानी कि जो 5x है, और ए ओ ई, ए ओ ई, यानी कि ये गिवन नहीं है। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें इसे फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि ये तीनों एंगल हमें फाइंड करना है। अब दिक्कत ये है कि एक भी एंगल यहाँ पर नोन नहीं है। अगर एक भी एंगल नोन रहता तो हम क्या करते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से या फिर लिनियर पेयर लगा के, ठीक है, कुछ ना कुछ करके एक कोई एंगल को हम लोग फाइंड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर सारा का सारा वेरिएबल है, ये भी जो है एक्स के टर्म में है, यानी कि ये वेरिएबल है, और ये भी हमें तो मालूम है ही नहीं। ठीक है, तब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ देखा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ तीन एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर दो एंगल फॉर्म होता तो क्या दोनों को हम ऐड करके 180 के बराबर करते, लेकिन तीन एंगल फॉर्म हो रहा है। अगर इसको हम ऐड किए, इसको और इसको इसको, तो कितना हो जाएगा, तीन वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको दिक्कत होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमको कुछ क्या करना होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को इक्वल होते ही हैं, उनका मतलब लेना पड़ेगा। जैसे ये 3x है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी 3x हो जाएगा। ठीक है, ये भी 3x हो जाएगा। एक्चुअल में हमारा यहीं से काम हो जाएगा। ठीक है, यहीं से काम हो जाएगा, नहीं तो आगे ये भी कर सकते हैं कि ये 2x है, क्या होगा, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा, तो ये भी 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 5x है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। लेकिन हमको उतनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमें एंगल कौन कौन सा फाइंड करना है, ए ओ डी, ठीक है, ए ओ डी, सी ओ ई, सी ओ ई, और हमें ई ओ ए फाइंड करना है। ठीक है, ये तीन एंगल फाइंड करना है, और ये तीनों एंगल क्या पड़ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो सी डी स्ट्रेट लाइन है, इसके इस तरफ पड़ रहा है, तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो पहले हम यहां लिख लेते हैं कि एंगल एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू एंगल बी ओ एफ, बी ओ एफ कैसे, तो ये होगा हमारा वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये इक्वल होते हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल ए ओ ई, ठीक है, बी ओ एफ के बराबर है, तो बी ओ एफ कितना है, 3x। ठीक है, तो अब हमें 3x मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन के इस तरफ जितने भी सारे एंगल होंगे सबका सम 180 डिग्री होगा, तो हम यहाँ से एक इक्वेशन बना सकते हैं जो कि होगा एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए या फिर ए ओ ई, ठीक है, अब प्लस एंगल ए ओ डी। ठीक है, तीनों को ऐड करने पे ये होगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो सी ओ ई कितना है, 5x है, अब प्लस ई ओ ई कितना है, 3x हो गया, अब प्लस ए ओ डी हो गया हमारा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तीनों को हम ऐड करेंगे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, और 5 5 10, ये हो गया हमारा 10x इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया, x इज इक्वल टू 180/10, यानी कि 18 मिल गया। ठीक है, तो अब हमें x का वैल्यू मिला है, ना कि ये एंगल्स का वैल्यू मिला है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें तीनों एंगल को फाइंड करना है बारी बारी। सबसे पहले हम लेते हैं एंगल ए ओ डी। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं सारे एंगल्स को, तो एंगल ए ओ डी, तो ए ओ डी जो है वो कितना है, 2x है, यानी कि 2 times of x, तो x का वैल्यू हमें कितना मिला है, 18, यानी कि इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 36। ठीक
और उसके बाद हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल ए ओ ई। ठीक है, ए ओ ई जो है 3x है, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ x, तो 3 × हम करेंगे 18। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 18 4 54। ठीक है, 54 डिग्री हो गया, ये 36 डिग्री और ये 54 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद हम चाहे तो इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दें, या फिर ये तो 5x है ही। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ भी पुट कर दें हम। लास्ट में हमको कौन सा फाइंड करना है, एंगल सी ओ ई। ठीक है, ये वाला एंगल रह गया, तो एंगल सी ओ ई, तो सी ओ ई कितना है 5x, तो 5x यानी कि 5 टाइम्स ऑफ x, 5 × 18 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 90। ठीक है, वापस से इन तीनों को ऐड करके चेक कर लेते हैं क्या 180 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, ये 4 को हम इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 40, और 40 + 50 90, और 90 + 90 180 डिग्री। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के एक तरफ जितने भी एंगल्स होते हैं सबका सम कितना होता है 180 डिग्री, ये वेरीफाई भी हो गया और तीनों एंगल फाइंड हो गया। ठीक है, इस एक्सरसाइज में लगभग सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि सब क्वेश्चन बनाने में क्या काफ़ी आसानी से बन जाएगा, इसलिए हम एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो 7B का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 7C पे शिफ्ट होंगे। उसमें जो है क्या है, पैरेलल लाइंस के बारे में हम लोग को पढ़ना है, यानी कि अगर पैरेलल लाइन है उसका ट्रांसवर्सल है तो कौन एंगल किसके इक्वल होगा, कौन किसके बराबर होगा, उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम पैरेलल लाइन से लेकर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थैंक यू।